मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास वन का ईवीएस। ठीक है, और हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 9 को, ठीक है, चैप्टर 9 को रीड किया था। इसका एक्सरसाइज भी हो चुका था। नेक्स्ट आज हमें पढ़ना है हेल्पिंग द फैमिली चैप्टर 10 पढ़ना है आज हमें। ठीक है, हेल्पिंग द फैमिली मीन्स हम अपने परिवार में कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज़ अनिकेत, आई लिव हैप्पीली विथ माई फैमिली। तो ये जो बॉय है वो बोल रहा है, हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम क्या है, अनिकेत है, मैं अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहता हूँ। ठीक है, ये अपने बारे में बता रहा है कि इसकी फैमिली कैसी है, ये लोग कैसे रहते हैं। आई हैव अ स्मॉल फैमिली, माई फादर, माई मदर एंड माई यंगर सिस्टर जेसी मेकअप माई फैमिली। मेरा परिवार क्या है, छोटा परिवार है, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन जेसी, ठीक है, ये लोग मेरा परिवार हैं। ठीक है, एवरी वन इन माई फैमिली हेल्प्स वन अनदर, वी लव एंड केयर फॉर ईच अदर। जितने भी लोग हैं हमारी फैमिली में वो एक दूसरे की मदद करते हैं और हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, माई फादर इज़ अ मैनेजर, ही वर्क्स इन अ बैंक। मेरे पापा क्या है, मैनेजर है और वो कहाँ काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं। ठीक है, ही हेल्प्स माई मदर इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो मेरी मम्मी की भी हेल्प करते हैं घर के कामों में। ठीक है, ही ब्रिंग्स वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, मेडिसिन एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। वो क्या लाते हैं, मार्केट से मेडिसिन लाते हैं, ग्रोसरीज लाते हैं, वेजिटेबल लाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। आई ऑल्सो गो विथ हिम, और मैं भी उनके साथ जाता हूँ। ठीक है, यानी केट बोल रहा है। माई मदर इज़ अ टीचर, शी प्रिपेयर फूड फॉर अस। मेरी मम्मी क्या है, मेरी मम्मी एक टीचर है, शी प्रिपेयर फूड फॉर अस, वो हमारे लिए खाना बनाती हैं। सो शी लुक्स आफ्टर अस एंड कीप्स द हाउस क्लीन, वो हमें भी देखती हैं और घर को भी साफ रखती हैं। शी हेल्प्स अस इन आवर स्टडीज़, वो हमारे पढ़ाई में भी हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, माई पेरेंट्स वर्क हार्ड टू अर्न मनी, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, वो पैसा कमाने के लिए मीन्स मनी अर्न करने के लिए वो बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, दे सेंड अस टू स्टडी इन गुड स्कूल, वो एक अच्छे स्कूल में हमें भेजते हैं पढ़ने के लिए। इट इज़ अवर ड्यूटी टू हेल्प अवर पेरेंट्स, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने मम्मी पापा की हेल्प करें। ठीक है, जेसी लव्स मी वेरी मच, जो मेरी बहन है जेसी, वो मुझे बहुत प्यार करती है। शी हेल्प्स मदर इन कुकिंग एंड डस्टिंग द हाउस, और वो मेरी मम्मी की हेल्प भी करती है खाना बनाने में, घर को साफ करने में। आई लव माई सिस्टर टू, और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, ये सब अनिकेत बोल रहा है अपने फैमिली के बारे में, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसे हैं उसकी, ठीक है, कैसे रहते हैं वो लोग। Sometimes I help my father in watering the plant and washing the car. कभी कभी तो मैं अपनी पापा की हेल्प करता हूँ प्लांट में पानी डालने के लिए या फिर कार को वॉश करने में। ठीक है, We always put our things at their proper place, और हम अपने सारी चीज़ें जो है वो हम लोग एक सही जगह पे रखते हैं। ठीक है, तो ये थी मीन्स अनिकेत अपने बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में बताया। ठीक है, कैसे वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक साथ रहते हैं। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर हेल्पिंग द फैमिली। नेक्स्ट अब हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु कुक्स फूड इन योर हाउस, फादर, मदर या कज़िन। इसका आंसर है मदर। ठीक है, हम लोग मदर पे टिक करेंगे। हु वॉशेज योर क्लोथ, मदर, अंकल या फादर। इसका आंसर है मदर, हम लोग मदर पे टिक करेंगे। ठीक है, हु पॉलिश योर शूज, यू, मदर या फादर। इसका आंसर है यू। ठीक है, हु टेल्स यू स्टोरीज, ग्रैंड फादर, सिस्टर या ग्रैंड मदर। इसका आंसर है ग्रैंड मदर। ठीक है, हम लोग ग्रैंड मदर पे टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग द क्लूज फिल इन द ब्लैंक्स, एवरी वन इन द फैमिली शुड हेल्प वन अनदर। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग फिल करेंगे हेल्प, वी लव एंड केयर फॉर ईच अदर इन अ फैमिली। सेकेंड में फिल करेंगे केयर। ठीक है,
आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड टू अर्न मनी. थर्ड में हम लोग फिल करेंगे अर्न. फोर्थ है इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प आवर पेरेंट्स. फोर्थ में हम लोग फिल करेंगे ड्यूटी. फिफ्थ है वी शुड कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. हम लोग फिफ्थ में फिल करेंगे प्रॉपर. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, चैप्टर 10 हेल्पिंग द फैमिली. ये कंप्लीट हो गया है. ठीक है, और इस एक्सरसाइज को आप अपने बुक में कर लेंगे और चैप्टर को रीड भी करेंगे और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको भी लिख के लर्न करेंगे. ओके, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे.